हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। सो दिस इज़ योर सेकेंड लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट फॉर क्लास 12। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने क्या क्या देख लिया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में देख लिया है, फिर आयनिक सॉलिड्स के बारे में देख लिया है, फिर उसके बाद मेटलिक सॉलिड्स को समझ लिया है कि मेटलिक सॉलिड क्या होता है। मेटलिक सॉलिड में बच्चों जो क्या होता है, देखिए आयनिक सॉलिड में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे आयन से मिलकर के सॉलिड बनते हैं, जैसे NaCl है ना। NaCl में क्या होता है बच्चों, Na पॉजिटिवली चार्ज होता है और Cl नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कटायन है, ये एनायन है, दोनों के बीच में कूलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और दोनों क्या बना लेते हैं मिलकर के NaCl बना लेते हैं। अच्छा, NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है जैसे ये अगर मान लो सोडियम एटम है, Na है, तो Cl कैसा होगा, इसको चारों तरफ से चार Cl जो है ऐसे सराउंड किए रहेंगे, है ना, और एक इसके इस साइड, है ना, इसके इस साइड, यानी पांचवा इधर और छठवां इसके पीछे साइड, यानी एक सोडियम एटम को छः क्लोरीन जो एटम होते हैं वो सराउंड किए रहते हैं, और एक क्लोरीन एटम को इधर भी सोडियम आएगा, फिर इधर भी सोडियम का एटम आएगा, इधर भी सोडियम का एटम आएगा, और एक ऊपर और एक नीचे पीछे साइड, और एक तो इधर दिख रहा है, तो एक दो तीन चार और एक ऊपर और एक पीछे के साइड, बात समझ में आ रही है। तो एक सोडियम एटम को छः क्लोरीन एटम और एक क्लोरीन एटम को छः सोडियम एटम सराउंड किए रहते हैं। ऐसे ही करते बहुत लंबी सी एक क्या बन जाती है, लैटिस बन जाती है, बात समझ में आ रही है। तो ये होता है आयनिक सॉलिड। इसमें Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, ऐसे करके आयनिक सॉलिड बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो मेटलिक सॉलिड क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो आयरन है, तो सिर्फ आयरन ही आयरन है, सिर्फ आयरन ही आयरन है, है ना, आयरन के ही आइटम रहेंगे। तो आयरन का आइटम तो कहीं कोई बॉन्डिंग करता नहीं है, इस तरीके का आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो कैसे आयरन का जो आइटम मिल करके क्या बना लेता है, एक मतलब आयरन का टुकड़ा बना लेता है, पीस बना लेता है, या छड़ बना लेता है, सरिया बना लेता है, कैसे बना लेता है? तो बच्चों उसमें एटम्स कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो आयरन है इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। तो Fe अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या बना लेता है, Fe2+, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो हर एटम मतलब कोई भी आयरन का टुकड़ा लेंगे तो उसमें मिलियन बिलियंस ऑफ आयरन के एटम होंगे, है ना, बिलियंस ऑफ आयरन के एटम होंगे, जो उसमें से दो दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, जितने आयरन के एटम होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन होंगे, वो चारों तरफ क्या करेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे, बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे इसको, इसके बीच में जहाँ उसको जगह इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, है ना, वहाँ रहेगा, और Fe2+ के फॉर्म में इसका कर्नल बच जाएगा, है ना, अंदर ये जितने भी Fe के एटम थे Fe2+ के फॉर्म में रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से निकल करके क्या करेगा, इसका मोशन करेगा, जहाँ जगह मिलेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटरिंग करेगा, और एक सी मॉडल मतलब ऐसा बना लेगा जैसे बहाव है कुछ बह रहा है ना, तो सी मॉडल इसी को बोलते हैं ना। मेटलिक सॉलिड में ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आयरन या कोई भी आप मेटल ले रहे हैं उसमें से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसका इस तरीके से रिवोल्यूशन करता है, या उसको क्या कर लेता है, बांध के रखता है ना, बांध के रखता है, उसके एटम्स को इधर उधर जाने नहीं देता है, बात समझ में आ रही है। तो वो मेटलिक सॉलिड हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में पढ़े थे, तो स्टार्टिंग मॉलिकुलर सॉलिड ही किए थे, उसके बाद आयनिक सॉलिड पढ़ाया था मैंने, और उसके बाद मेटलिक सॉलिड पढ़ाए थे, फिर हमारा रह गया था कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है ना। तो कोवेलेंट को हम क्या और बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स एटम्स लिंक्ड टू एडजेसेंट एटम बाई कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द क्रिस्टल। ये क्या होता है, ये ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो कोवेलेंट सॉलिड होंगे वो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे जिसमें, क्रिस्टलाइन क्या होता है, जो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एमॉर्फस क्या होता है, जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्रिस्टलाइन हम लोग जानते हैं, तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटल एटम होता है, जो लिंक रहता है अपने बगल वाले एटम से, एक एटम अपने बगल वाले एटम से नॉन मेटल का जो एटम होता है जुड़ा रहता है कोवेलेंट बॉन्ड से थ्रू आउट इट्स क्रिस्टल, मतलब पूरे के पूरे क्रिस्टल में, है ना। एज अ रिजल्ट अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड,
रिजल्टेंट में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये आपको मैंने पहले भी समझाया है। आयनिक बॉन्ड क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। समझ में आ रहा है? तो जो हमारा कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड होता है उसमें बहुत सारे एटम होंगे, मिलियन बिलियंस ऑफ एटम होंगे, लेकिन अपने अपने एडजेसेंट एटम के साथ क्या होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है थ्रू आउट इट्स क्रिस्टल, जितना भी बड़ा क्रिस्टल होगा। एज अ रिजल्ट नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड का। हेंस दे फॉर्म जियांट मॉलिक्यूल, उसके बाद वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, जियांट मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा भव्य मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टल ऑफ दिस टाइप इज दैट ऑफ डायमंड, इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टूगेदर बाई कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके का एक एग्जाम्पल क्या मिलेगा, जिसमें बहुत सारे एटम मिल करके एडजेसेंट कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्डेड बना करके सॉलिड बनाए, वो डायमंड है, ठीक है ना, डायमंड का एग्जाम्पल है। उसमें कार्बन क्या होता है, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे ये कार्बन है, ये जो एटम दिख रहा है वो कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन से जुड़ा होगा। ये भी एटम एक दो तीन और ये चार, ये भी एक दो तीन और ये कहीं ऊपर चार, कोई भी एटम उठा लीजिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक एटम जो होता है डायमंड में चार कार्बन आइटम से जुड़ा होता है, मतलब एक हर एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ प्योर कार्बन का बना होता है डायमंड। तो डायमंड में हर कार्बन, सभी कार्बन क्या होते हैं, चार चार कार्बन से जुड़े होते हैं, ऐसा जाइगेंटिक स्ट्रक्चर होता है। और ये 3D स्ट्रक्चर में होता है, 3D कैसा बच्चों, देखिए इसमें क्या होगा, डायमंड में जैसे मान लीजिए ये कार्बन का आइटम है, तो ये चार कार्बन आइटम से जुड़ा होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों प्लेन में हो गया, सेम प्लेन में, एक आपका क्या होगा, कार्बन है ना प्लेन के अंदर साइड, और एक प्लेन के बाहर साइड कार्बन लगा रहता है। अब इस कार्बन से क्या होगा बच्चों, इस वाले कार्बन से भी चार कार्बन आइटम जुड़ रहेंगे, एक कार्बन इधर, एक कार्बन नीचे के साइड, एक कार्बन ऊपर की साइड, है ना। देखिए एक दो तीन चार, फिर इस कार्बन के साथ क्या होगा, एक कार्बन इधर ऊपर की साइड, ये तो नीचे के साइड हो गया, फिर ये इसके साइड, सेम प्लेन, बात समझ आ रही बच्चों। तो हर एक कार्बन एटम, कोई भी कार्बन एटम आप उठाएंगे तो वो चार एडजेसेंट कार्बन से कोवेलेंटली बॉन्डेड जुड़ा रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो इतना जाइगेंटिक स्ट्रक्चर, इतने सारे कार्बन एटम आते हैं कि वो एक जियांट स्ट्रक्चर ले लेता है ना, इस तरीके का, और डायमंड बना देता है। डायमंड का अंदर का स्ट्रक्चर है, ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं, ऊपर से दिखने में ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन अंदर का इतना जाइगेंटिक स्ट्रक्चर होता है कि इसमें लाइट रे अगर इंटर करती है तो वो इसी में ट्रैप हो जाती है ना, अंदर जाने के बाद फंस जाती है, और इस कार्बन एटम टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, ऐसे टकराते हुए काफ़ी देर तक इसमें डायमंड के अंदर क्या होती है, फंस जाती है ना। तो फंसने के बाद क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता है, जिसकी वजह से वो लाइट रे निकल नहीं पाती, और थोड़ा सा भी डायमंड को अगर लाइट मिल गई तो बहुत ज़्यादा देर तक चमकता है, ये आप जानते हैं, इसी वजह से चमकता है क्योंकि लाइट रे इसमें जाके फंस जाती है, और इसमें घूमती रहती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद कहीं निकलती है। यानी डायमंड चमकीला क्यों होता है, क्योंकि उसके पास ऐसा जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है कि उसमें लाइट रे एंटर करते ही ट्रैप हो जाती है, बात समझ में आ रही है। चलिए दिस टाइप इज दैट ऑफ डायमंड इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाई कोवेलेंट बॉन्ड टू गिव अ 3D स्ट्रक्चर, और ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा, एज सोन इन द फिगर 1.7। अनदर वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ सिलिकन कार्बाइड, SiC, सिलिकन कार्बाइड। कार्बाइड क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब भी लेफ्ट साइड में जो लिखा रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और राइट साइड में जो होता है उसका नेगेटिवली चार्ज होता है, या नेगेटिवली उसका क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। तो यहाँ सिलिकन कार्बाइड में इस तरीके का कुछ है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया ना, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसलिए आइड लगाते हैं, कार्बाइड हो जाता है। जैसे क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन पे क्या होता है, -1, सोडियम पे +1, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरीके का। अब आइड क्यों लगता है सफिक्स, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो भी स्पीसी बाद में लगता है ना, उसके साथ आईडी सफिक्स लगा देते हैं, है ना। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सॉलिड्स आर एज अंडर, फर्स्ट एज कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, डायरेक्शनल होता है, और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। सर इसका क्या मतलब हुआ, आयनिक बॉन्ड को जहाँ से भी जगह मिलेगा वो लग जाएगा, जैसे अभी बताया ना कि एक सोडियम एटम को
छः क्लोरीन एटम सराउंड किए रहते हैं, है ना। तो ये Na प्लस होगा और ये सब क्या होगा, Cl माइनस, कहीं भी जगह मिल जाएगी उसके साथ फिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम मीथेन की बात करें, है ना, तो मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन होता है। तो दो हाइड्रोजन सेम प्लेन में, एक जो होगा आपके प्लेन के बाहर होगा, है ना, और एक जो होता है प्लेन के पीछे साइड आपका होगा। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। ये सारे एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके का कोई फिक्स शेप रहेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल का कोई बॉन्ड दिखे, इसका मतलब वो कोवेलेंट है और डायरेक्शनल इन नेचर है, उसका कुछ फिक्स ज्योमेट्री होगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड क्या है, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। इसका क्या मतलब है बच्चों, उनके पास क्या होता है, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड जो भी सॉलिड होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, है ना, और वो क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं अपने मेल्ट होने से पहले ही। ठीक है, अब डिकम्पोज क्या होता है ये आप लोग बायो में पढ़े होंगे 10th से पहले। ठीक है, चलिए डिकम्पोज मतलब टूट जाना, है ना। चलिए, डिकम्पोज का हर जगह यूज होता है, बायो में, केमिस्ट्री में, जनरली केमिस्ट्री में तो आपको हर जगह टूटना, NaCl डिकम्पोज हो गया, काफ़ी चीज़ें मैंने डिकम्पोज पर बताई है, तो ये आप लोग जानते होंगे क्यों यूज करते हैं डिकम्पोज का। ठीक है, तो दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंटली बॉन्डेड जो भी सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो भी कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं। आयनिक बॉन्ड वाले क्या होते हैं, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में होंगे, लेकिन जब वो एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। एक्सेप्शन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो और एक्सेप्शन भी हो, जो कैरेक्टरिस्टिक कोवेलेंट बॉन्ड के मैंने कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल या सॉलिड की पढ़ाया है उससे अलग क्या है, उसी को एक्सेप्शन बोल रहे हैं बच्चों, जो अपवाद है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कोवेलेंट सॉलिड बट इट इज़ सॉफ्ट एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है वो कोवेलेंट बॉन्डेड तो है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड होने के बावजूद क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अपने सॉलिड स्टेट में ही, है ना। इट्स एक्सेप्शनल बिहेवियर इज ड्यू टू द टिपिकल स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 1.8। जो कोवेलेंट बॉन्डेड ग्रेफाइट है इसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आई, ऐसा बिहेवियर क्यों आया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो इस तरीके का दिख रहा है उस वजह से। तो इसमें क्या है, इसको बना के मैं दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ये आपका है एक रिंग है, मतलब ये कार्बन सारे के सारे कार्बन है। बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसी में कुछ और कार्बन लगे रहेंगे, कई रिंग बनेगी कार्बन की, ये क्या बना रहा है बच्चों, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ऐसा कुछ बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे से अटैच रहेंगे। ठीक है, तो ये एक लेयर हो गई, इसके नीचे जस्ट नीचे, मैं थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ, लेकिन जस्ट नीचे क्या होगा बच्चों, एक और इसी तरीके का रिंग आपको जुड़ा हुआ कई रिंग से मिलेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का, है ना। सेम इसी के नीचे और सेम तरह के पैटर्न में ऐसे ही कई लेयर मिलेंगे, है ना, बहुत बड़ी बड़ी कई लेयर मिलेंगी ग्रेफाइट में, और इन दोनों के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, है ना, इन दोनों के बीच में ये कार्बन और ये कार्बन लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है। कोई भी आप कार्बन एक ही लेयर का उठाएंगे तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन दो लेयर के आपस के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। इसलिए क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड तो नहीं टूटता है ग्रेफाइट का, लेकिन ये जो स्लाइड है ना, ये आपको लेयर दिख रही है वो स्लाइड होती है ग्रेफाइट से। इसीलिए पेंसिल जो होता है, पेंसिल में बहुत सारे ऐसे रिंग होंगे एक पेंसिल की नोक में, है ना, तो जब उससे हम लिखते हैं तो ऐसे वो लेयर जो है खिसक करके यहाँ पे चिपक जाती है। बस समझ रहे, बहुत सारे लेयर होंगे, बिलियंस बिलियंस ऑफ लेयर होंगे एक पेंसिल के जो होता है लेड में, बस समझ रही है। तो उसमें से वो ग्रेफाइट के क्या होते हैं लेयर, वो सरकते रहते हैं और पेपर पे लिखता रहता है, मतलब राइटिंग होती रहती है पेंसिल से।
बात समझ आ रही बच्चों? इसी तरीके से और नीचे जाएंगे तो और भी इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, सेम पैटर्न, और नीचे बहुत सारे लेयर होंगे, है ना, लाखों करोड़ों लेयर्स होंगे ऐसे। तो ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, इसीलिए मतलब ये लेयर क्या हो जा रही है? खिसक जा रही है। लेकिन डायमंड के केस में देखो, इतना जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है कि इसमें कोई भी लेयर अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होती है, इसमें कोई लेयर तो है नहीं, 3D फॉर्म है। ये आपको 2D प्लेनर दिख रहा होगा, है ना, ये वाला देखिए लेयर 2D है, ये वाला 2D है, ये वाला 2D है। अब एक ऊपर एक, एक ऊपर एक क्या होते हैं, चिपक के रहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? देखो इसमें एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसमें एक कार्बन एक दो तीन ही कार्बन से जुड़ा है, यानी एक कार्बन तो चार बॉन्ड बनाता है, तो चौथा बॉन्ड कैसे बनाएगा? यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो देखो एक दो तीन चार बॉन्ड हो गया ना। अब ये देखो एक दो तीन है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक दो यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, है ना, ठीक है, ऐसे चलते यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा। तो हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा ग्रेफाइट जैसे स्ट्रक्चर में, है ना। तो जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं दिखता है, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब पूरे सिस्टम पे ये क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड क्या है? नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मोशन कर सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ चलाएगा तो ये इधर चलाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर खिसक के चला जाएगा। तो ऐसा ही होता है कुछ ग्रेफाइट में, इसके स्ट्रक्चर मतलब जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इसलिए जब भी हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाता है। तो क्या समझा हमने? इक्विवेलेंट बॉन्डेड जो हमारा ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि जो नॉन मेटल्स के बने हुए या इक्विवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन हम जानते हैं ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? इक्विवेलेंटली बॉन्डेड जो भी सॉलिड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इन दिस केस कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स। देखो लेयर दर लेयर अरेंज है ना ऐसे, यहाँ पे क्या है? कोई लेयर नहीं है, यहाँ पे 3D जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है डायमंड का, और ग्रेफाइट का क्या है? लेयर बाय लेयर ऐसे ही प्लेनर में प्लेन में जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? चलिए, इन ईच लेयर एवरी कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स। अब देखो यहाँ बोल रहा है सीधे, डायमंड में क्या था? चार नेबरिंग कार्बन एटम से जुड़ा था एक एटम, वो भी 3D स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे ग्रेफाइट के केस में क्या हो रहा है? 3 कार्बन एटम से एक कार्बन जुड़ा है। बात समझ में आ रही? वो भी कोवेलेंटली था, ये भी कोवेलेंटली है। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तो चार बॉन्ड सर्टिफाइड है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट में सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री टू मूव होते हैं, ओके। दस द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री टू मूव अबाउट। तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेयर्स ग्रेफाइट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या बन जाता है? अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है ना, ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही हो रहा है, ठीक है ग्रेफाइट में। फर्दर द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। क्या कह रहा है? जो डिस्टेंस है वो एडजेसेंट लेयर की, है ना, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये लेयर की जो डिस्टेंस है वो कार्बन और ये कार्बन के बीच के जो डिस्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा होती है ना, लेकिन ये हमको पता नहीं चलेगी, आँख से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंटली डेटा है वो आप लोग पढ़ते हैं, ओके ओके। चलिए, दीज लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर एंड कैन ईजिली स्लिप ओवर ईच अदर। और ये जो एक लेयर दूसरे लेयर से ये दिख रहा ना, ये क्या है? एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, ये तो वंडरवॉल वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है? जुड़े हुए हैं। बात समझ आ रही है? अब वीक वंडरवॉल फोर्सेस क्यों अराइज होता है, ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट, सॉरी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में 11th में, वहाँ पे हम लोग सीखे रहते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, फॉर दिस रीज़न ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट एंड एक्ट एज अ गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। अब यहाँ इसका मतलब क्या है बच्चों? गुड सॉलिड लुब्रिकेंट होने का क्या मतलब है? अब जैसे हमारे पास फैक्ट्रियाँ होती हैं, हमारे देश में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं बच्चों, वहाँ पे कई फैक्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे मशीनें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब 2000 3000
3,500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहाँ पे मशीनें वर्क कर रही हैं। अब इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे आप जाहिर सी बात है कि मोबिल नहीं डालेंगे, ग्रीस नहीं डालेंगे या कोई सिंपल सा ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि उस टेम्परेचर पे तो वो तुरंत उड़ जाएगा। मोबिल आप डालेंगे 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड या 2,000 सेंटीग्रेड पे कोई मशीन काम कर रही है, तो वो मशीन का टेम्परेचर जैसे ही 2,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मोबिल हमको दिखेगा भी नहीं। तो उस केस में हमको ऐसा भी चाहिए कि भाई कुछ तो ऑयल रहे जिसकी वजह से मेरी मशीनें तुरंत ख़राब ना हो जाए, है ना। मशीन वर्क कर रही है, उसमें ऑयल है ही नहीं तो ख़राब हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या होता है बच्चों, हम वहाँ पे ग्रेफाइट डालते हैं। तो 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रेफाइट क्या बन जाता है, सॉलिड से वो लुब्रिकेंट के फॉर्म में, मतलब ऑयली फॉर्म में आ जाता है, और वहाँ से वो क्या नहीं होता है, वो वेपराइज नहीं हो पाता है ना, वो लुब्रिकेंट की तरह ही बना रहता है, ऑयल और ग्रीस की तरह वो ख़त्म नहीं होगा और हमारी मशीनें वर्क करेंगी। अच्छा, इतना अच्छा यूज है ग्रेफाइट का, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल में ही यूज मत समझिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का बहुत जगहों पर यूज होता है। ओके, मेटलिक सॉलिड हम लोग देख चुके थे। देखो इसमें क्या होता है, मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर निकल गए और मेटल का जो क्या है कर्नल वो बच गया। देखो बहुत सारे मेटल होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उसको चारों तरफ से क्या करेंगे, घेर के रखेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है एक जगह नहीं रहेंगे, ये मूव करते रहेंगे, है ना, अंदर अंदर ऐसे बाहर अंदर सब तरफ मूव करेंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहीं से मूव करेंगे। अब मूव करने से क्या है, ये सारे जो कर्नल दिख रहे हैं वो उसमें बॉन्ड हो जाएंगे, बंध जाएंगे। तो इस तरीके वो क्या बोलते हैं, मेटलिक सॉलिड। इस तरीके से मेटलिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। द फोर्स दैट होल्ड्स द मेटल्स आयन टुगेदर इज इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटलिक मेटलिक बॉन्ड। तो मेटलिक बॉन्ड भी हम लोग जानते ही हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटलिक सॉलिड हम लोग जान चुके हैं। एक स्पेशल केस मैं बता देता हूँ, है ना। एक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, जब भी कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल जाए, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और इसके साथ कहीं हाइड्रोजन दिख जाए, तो इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे H2O है, H2O में क्या होता है बच्चों, देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, ये इसका मेंबर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, ये तीनों जहाँ दिखेंगे वहीं पर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं, ये तीनों जहाँ भी दिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन के साथ जहाँ दिखेंगे, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है। अच्छा, तो हाइड्रोजन जो है किस तरीके से जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन से वाटर में, कुछ इस तरीके से जुड़ा रहेगा, है ना। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखो एक दो ऑक्सीजन का पूरा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का पूरा, हाइड्रोजन यहाँ ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है ऑक्टेट, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रह जाते हैं। ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, और भी तो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर में बहुत सारे होंगे, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, इसी तरीके का होगा कुछ। अच्छा, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो हो क्या रहा बच्चों, देखो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंटली बॉन्डेड या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी डेंसिटी को थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से सारे पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन जो भी दिखे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे भी कोई और अदर मॉलिक्यूल ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी रहेगा ना। तो कई वाटर मॉलिक्यूल इसी तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो क्या बना लेता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कहाँ पे होती है, किस केस में ये होती है, ये जब आइस बनता है वाटर उस केस में इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो एक फिक्स पोजीशन पे क्या हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेट हो जाते हैं, यानी अब रिलेटिव रैंडम मोशन नहीं कर पाते हैं सॉलिड केस में, जब आइस के केस में। तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ जगह जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, वाइट छोड़ रहा है ना। तो इसी की वजह से आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है और आइस वाटर में फ्लोट करता है, तैरता है। बात समझ आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। जब भी आपको कुछ इस तरीके का दिखे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या फ्लोरीन और हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये मैंने एक और बता दिया, ठीक है। अब हम लोग एक टेबल देख लेते हैं, इससे सब कुछ समराइज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अलग अलग तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग टेबल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड कौन कौन से होते हैं, आयनिक सॉलिड,
मॉलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटलिक सॉलिड। एक हाइड्रोजन जो बॉन्डेड सॉलिड है उसको मैंने अलग से पढ़ाया है, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। आयनिक सॉलिड है तो किस चीज़ से बना है, मॉलिकुलर सॉलिड किस चीज़ से बना है, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर नेचर समझेंगे, कौन सी बाइंडिंग फोर्स इसमें होती है। फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं, फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड है, सॉफ्ट है ना, वेरी हार्ड है, इस तरीके का कुछ देखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे कि कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है। मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे किसका हाई होता है, आयनिक सॉलिड का, मॉलिकुलर सॉलिड का, कोवेलेंट सॉलिड का या मेटलिक सॉलिड का, किसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई होगी टेबल किस तरीके से पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में कौन सा है, आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, और मॉलिकुलर सॉलिड में हमने बताया था कि नॉन पोलर एंड पोलर है ना, नॉन पोलर में भी मॉलिकुलर सॉलिड में भी नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बताया था, फिर पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बोला था, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जो है मैंने बताया था। तो आयनिक सॉलिड क्या होगा, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, किस चीज़ से आयनिक सॉलिड मिलकर के बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे NaCl हमारा आयनिक सॉलिड है, तो इसमें Na प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है, और ऐसे ही Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस के कई सारे कटायन एंड अनायन मिलकर के आयनिक सॉलिड बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स कौन सी होगी, कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कूलम्बिक फोर्स जिसकी वैल्यू होती है 1/4 πε₀ Q1 Q2 r2, ये हम लोग जानते हैं। यही कूलम्बिक फोर्स जो होता है ये मतलब आयनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कटायन एंड अनायन है उसके बीच में यही फोर्स रहती है, इसी से बाइंड रहते हैं, है ना। जो इसका एग्जांपल क्या है, NaCl है, LiF है, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड या कैल्शियम फ्लोराइड, ये इसके एग्जांपल हो गए आयनिक सॉलिड के। फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड बट ब्रिटल। आयनिक सॉलिड क्या होंगे, हार्ड होंगे लेकिन ब्रिटल होंगे। अब नमक का आप इतना बड़ा टुकड़ा लाइए, उसको आप हैमरिंग करिए तो देखिए वो बिखर जाएगा, तार तार हो जाएगा, और इसीलिए वो ब्रिटल होता है, वो मैलिएबल या डक्टाइल नहीं होगा। मैलिएबल और डक्टाइल का ये रिवर्स प्रॉपर्टी होता है, उल्टा प्रॉपर्टी होता है ना, इसी को हम लोग ब्रिटलनेस बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी आयनिक सॉलिड की, आयनिक जब सॉलिड स्टेट में होता है तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट होता है, मतलब अपनी सॉलिड फॉर्म में वो इंसुलेटर होगा। अब उसको हीट करें, मेल्ट कर दें या पानी में डाल करके उसको एक्वस सॉल्यूशन बना लें, बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, मतलब या तो गर्म करके उसको हीट करके पिघला लें नमक को, तब भी वो अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, या उसको नमक के टुकड़े को बड़े से लाएं और पानी में डाल दें, तब भी वो क्या हो जाएगा, आयनिक सॉलिड जो होगा एक्वस फॉर्म में भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। लेकिन सॉलिड फॉर्म में जब रहता है तो वो इंसुलेटर का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो अभी आप सोचेंगे कि सर नमक तो हम पानी में डालते हैं तुरंत घुल जाता है, तो हाई कैसे है मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का मतलब उसको हीट करने पे मेल्ट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। जनरली नमक जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो नमक डालने पे घुल जाता है, लेकिन आप उसको मेल्ट करने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, 200 डिग्री से ऊपर चला जाएगा उसका टेम्परेचर, तब जाके वो मेल्ट होगा। बस समझ रहे, उससे पहले मेल्ट नहीं होगा। इसका मतलब जब उसको हमको मेल्ट करना है तो ज़्यादा टेम्परेचर देना रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, आयनिक सॉलिड का हाई। वो अलग केस है कि हम पानी में डाल रहे हैं क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, वो सबसे हाईएस्ट होता है, और वो जिस टेम्परेचर पे इसको मेल्ट होना चाहिए उससे 80 टाइम्स लेस टेम्परेचर पे ही वो डिसॉल्व कर लेता है वाटर, किसको, नमक को, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है। 80 का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 80 का मतलब 80 टाइम टेम्परेचर कम कर देगा जिस पे वो डिसॉल्व हो जाए। बात समझ में। अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है वो किस में सॉल्युबल होता है, पोलर सॉल्वेंट में। इन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अच्छा, आयनिक सॉलिड जो होता है पोलर इन नेचर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होंगे ना बच्चों। नेगेटिव कौन होगा, Cl माइनस, पॉजिटिव कौन होगा, Na प्लस, किस में, NaCl में। ऐसे ही अगर हम LiF ले लेंगे तो नेगेटिव कौन होगा, F माइनस, और पॉजिटिव कौन होगा, Li। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स तो दिख रहे हैं, इसका मतलब लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक का जो हमारा प्रिंसिपल है वो इस पे वर्क कर रहा है, और सॉल्युबल किसमें होगा, आयनिक मतलब पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर तो हमारा डाइपोलर है, बहुत सारे सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं और बहुत सारे सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना, उसमें पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है। तो पोलर जो भी हमारे सॉलिड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर जो भी सॉलिड्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, इसीलिए बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। बात समझ में आई। चलिए अब सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन था, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। बात समझ में आ रही है। तो नॉन पोलर क्या होता है,
नॉन पोलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है? एटम ऑफ नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो बिना पोल जनरेट किए मॉलिक्यूल बनाते हैं, या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बिना जनरेट किए मॉलिक्यूल बनाते हैं, और क्या होता है, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस के एटम जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेरन, रेडन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस के एटम्स हैं, ये सब आपस में मिल करके कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। ओके, इनके बीच में नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स क्या है, लंडन या डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, वीक वंडरवाल फोर्स जिसको बोलते हैं। चलिए एग्जांपल क्या होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर हो, जैसे आर्गन, आर्गन के कई सारे एटम मिल जाएंगे आपस में, उसको कंडेंस कर दीजिए आप, उसको बहुत सारे कूल कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दीजिए, तो वो किस में चला जाएगा, सॉलिड बन जाएगा और नॉन पोलर रहेगा। हाइड्रोजन जनरली गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दीजिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो ये भी सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। आयोडीन ये तो सॉलिड होता ही है और ये नॉन पोलर है ना। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। HCl हो गया, HCl तो जनरली गैस में होता है, या आप पानी में डालते हो एक्वस बन जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर कम कर दीजिए और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये भी सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आप लोग समझते होंगे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसकी वजह से मिसाइल, मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, ठीक है ना, उसके लिए इंडिया बहुत परेशान था, है ना। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे स्पेस क्राफ्ट हैं उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, हम लोग अपना जनरेट नहीं कर पा रहे थे ऐसा कुछ, है ना, जिससे मिसाइल में भी हम लोग को दिक्कत आई, तो वहाँ से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को APJ अब्दुल कलाम ने डेवलप किया, जिससे हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वेरी लो प्रेशर पे हम लोग कर सकते थे, बहुत कम प्रेशर पे भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। जो आपके पास सिलेंडर होता है वो जनरली गैस होता है ना, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर किया जाता है कि वो लिक्विफाई हो जाता है। इसी तरीके से जब हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं, जब हमारे एयरक्राफ्ट ऊपर जाते हैं तो ऊपर का प्रेशर और कम होता है, यहाँ नीचे का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फियर है, जब हम यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना तो उसका प्रेशर घटने लगेगा, क्योंकि ऊपर हल्की गैसेज होती हैं और नीचे भारी गैसेज होती हैं, बात समझ में। उस दौरान अगर लिक्विफाई करना है गैस को तो नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का जो APJ अब्दुल कलाम ने जो डिस्कवरी की, खोज की, मतलब इंडिया के लिए, उसके पहले क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं थी, लेकिन इंडिया के लिए उन्होंने जो बनाया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से भारत संपन्न और एक मिसाइल जो है देश बन के उभरा, परमाणु संपन्न देश बन के उभरा, ठीक है। तो मॉलिकुलर सॉलिड जो कि नॉन पोलर हैं वो सॉफ्ट होते हैं, है ना, जनरली इनका नेचर ही सॉफ्ट है, इंसुलेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का, और लो डेंसिटी एंड वोलेटाइल, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और क्या है अदर करेक्टरिस्टिक में, ये वोलेटाइल है, मतलब उड़ जाते हैं। अच्छा, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कौन होंगे, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपके पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स होंगे उसके जो कंस्टिट्यूएंट, मतलब जिस चीज़ से वो बना होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होगा, और इसके बीच में पोलर मॉलिक्यूल्स जो मॉलिकुलर सॉलिड बना रहा है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल क्या है, वीक वंडरवाल, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है। एग्जांपल क्या है, HCl SO2, है ना, ये क्या है एग्जांपल किस चीज़ का है, ये पोलर भी है, देखो H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, इसमें कहीं भी Ar प्लस H माइनस इस तरीके का कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगा, H प्लस और Cl माइनस। SO2 में S पे फोर्थ ऑक्सीडेशन नंबर है और ऑक्सीजन 2 पे 2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर है, बस में ये पोलर भी है और क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है। ये भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड, जैसे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन लिंक्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये मैंने पहले भी बता दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर आपस में लिंक्ड कोई मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। इसमें फोर्स ऑफ, मतलब नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका एग्जांपल क्या है, H2O NH3, अमोनिया को अगर हम सॉलिडिफाई कर दें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। वाटर को अगर हम सॉलिडिफाई कर दें, मतलब आइस बना दें, तो इसमें भी क्या दिखेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। इसका भी कैसा होता है, फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है ये, है ना, और इंसुलेटर ऑफ किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी, बर्फ में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेंगे, अमोनिया में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेंगे अगर वो सॉलिड स्टेट में है। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, किसका, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। उसके बाद आप देख लीजिए कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड का जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एटम होगा, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एटम, जैसे डायमंड, डायमंड में कार्बन ही कार्बन एटम है, तो एटम से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
ठीक है ना। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है या बाइंडिंग फोर्स कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि डायमंड हो गया, सिलिकन ऑक्साइड हो गया जिसको क्वार्ट्ज बोला जाता है, सिलिकन कार्बाइड हो गया, AIN, ठीक है ना, AIN तो छोड़ दीजिए, सॉरी ये AIN नहीं है, ALN है, एल्युमिनियम नाइट्राइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम पे +3 का ऑक्सीडेशन होता है और नाइट्रोजन पे -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये सारे एग्जांपल होंगे कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के। और ये क्या होता है, इसका फिजिकल नेचर वेरी हार्ड, मतलब बहुत हार्ड होते हैं, डायमंड हम जानते हैं बहुत हार्ड होते हैं, और ये इंसुलेटर होता है जनरली। लेकिन एक्सेप्शन क्या देखे थे हम, ग्रेफाइट, वो तो कोवेलेंट सॉलिड होता है और उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो हमने एक्सेप्शन बताया था। लेकिन ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड देखेंगे वो एटम से मिलकर के बने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स होगा, और उसका एग्जांपल ये सब है, बहुत हार्ड होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। फिर मेटलिक बॉन्ड देख लीजिए, मेटलिक सॉलिड कैसे होंगे, मेटलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके होते हैं वो पॉजिटिवली आयन इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सी मॉडल होता है इसका, ठीक है ना। जो मेटलिक सॉलिड होते हैं उसमें पॉजिटिवली आयन इन द फॉर्म ऑफ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी मोबाइल होते हैं, चलते फिरते हैं उसमें, है ना, कर्नल बना करके हमने बताया था ना किस तरीके से बाइंडिंग फोर्स अगर करती है, तो इसमें बाइंडिंग फोर्स कौन सी होती है, मेटलिक बॉन्ड्स होता है, हाँ। और इसमें एग्जांपल्स क्या देखेंगे, ऑल मेटल्स, कोई भी मेटल ले लीजिए या कोई भी अलॉय ले लीजिए। अलॉय क्या होता है बच्चों, मेटल्स का मिक्सचर से बनता है अलॉय, ठीक है। मेटल जो हो गया, मान लो आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इस सब में क्या दिखेगा, मेटलिक बॉन्ड दिखेगा, और इसमें पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयन मतलब कर्नल, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी भी मेटल में से तो जो बचता है पार्ट पॉजिटिवली चार्ज उसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, बस में तो कर्नल को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाइंड करके रखते हैं, किस बॉन्ड से, मेटलिक बॉन्ड से, ओके। और इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो जानते हैं हम लोग, मेटलिक जो भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है ना, कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, तो ये गुड कंडक्टर होगा, कोई भी सॉलिड आप मेटल लाइए तो वो अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और अगर उसको मेल्ट भी कर दीजिए तो भी अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, फेयरली हाई, बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे कि जनरली हाई होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके का मेटल का मेल्टिंग पॉइंट दिखता है। अच्छा, इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, कोई भी मेटलिक बॉन्ड से बना मेटलिक सॉलिड होगा तो उसमें मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी आ जाती है एंड पजेसेस लस्टर, और उसके अंदर चमक होती है। तो बच्चों, इतने से आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ एक बार अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्रिस्टल लैटिस पर बनाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सॉलिड स्टेट है इसका बेस ही आपका क्या है, यूनिट सेल है, इसी को पढ़ने के लिए इतना अभी तक हमने पढ़ा है। अब यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में ये कवर हो जाएगा, है ना, इसके लिए एक अलग से लेक्चर पूरा चाहिए, तब जाके आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल समझ में आएंगे, है ना। तो यूनिट सेल जनरली क्या होता है बच्चों, मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या होता है यूनिट सेल। देखो, जैसे किसी भी सॉलिड में बहुत सारे एटम होंगे, है ना, बहुत सारे एटम्स ऐसे लगे होंगे, ये वन डायमेंशनल हो गया, टू डायमेंशनल कैसे बनेगा, इसके नीचे और भी एटम आ जाए, है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बात मैं कर रहा हूँ, ये ध्यान रहे, ठीक है, ये 2D हो गया। अब 3D क्या है, 3D तो यहाँ बन नहीं पाएगा, मतलब इसके ऊपर और सारे ऐसे ही एटम लग जाएं इधर इधर इधर, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ हम ऐसा करेंगे कि ऐसा कुछ आपका, सॉरी यहाँ से लगेंगे, है ना, यहाँ से लगाए यहाँ तक और यहाँ से लगाए यहाँ तक, ऐसा कुछ यूनिट निकाल लेंगे, है ना, ऐसा कुछ यूनिट निकाल लिया जाएगा और इसी को हम लोग यूनिट सेल कहेंगे, और उसमें देखेंगे कि कितने एटम एक यूनिट सेल में आ रहे हैं और किस किस तरह का यूनिट सेल होता है, बात समझ रही है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अभी तो डायग्राम उतना सही से मैंने बनाया नहीं है, कुछ इस तरह का होगा। देखो बच्चों, इस तरीके से एटम अरेंज होते हैं, उसमें से कोई एक यूनिट निकाल लिया इस तरीके का बना करके, और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि कितने एटम एक यूनिट सेल में आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एटम फेस पे होते हैं, कुछ आइटम कॉर्नर पे होते हैं, कुछ आइटम बॉडी के अंदर होते हैं, तो बॉडी डायगोनल ये सब भी निकालना होगा, फेस डायगोनल ये सब भी निकालना होगा, तो आगे ये सब चीज़ें, अब आपका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बस समझ में रहे बच्चों। अब आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, सॉलिड स्टेट का मेन पार्ट अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, जब मैं क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल के बारे में पढ़ाऊँगा,
ठीक है बच्चों, ये मेन आपका टॉपिक है, इसी को कवर करना है, जिसका ये कवर हो गया उसका सॉलिड स्टेट में कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी बच्चों, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।